जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अंकुरित मूंग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको चटपटे अंकुरित मूंग कह सकते हैं। ये बॉईल किए हुए अंकुरित मूंग है, इसको स्प्राउट मूंग कहते हैं। बारीक कटी हुई प्याज है, हरा धनिया है, बारीक सेव है, पत्ता गोभी है, टमाटर है बारीक कटे हुए, टमाटो केचप है, हरी चटनी है पुदीने की, ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है, हरी मिर्ची है बारीक कटी हुई, ये चाट मसाला है और सिका हुआ जीरा है। रेसिपी चालू करते हैं। इसमें सबसे पहले अंकुरित मूंग डालेंगे। ये बॉईल किए हुए अंकुरित मूंग है, और जो डाइटिंग कर रहे हैं विशेषकर उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे इसमें, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल देंगे, ये चटनी डाल देंगे, टमाटो केचप डाल देंगे, ये अपने टेस्ट अनुसार सब डालते जाएं, इमली की मीठी चटनी डाल देंगे, एक हरी मिर्ची डाल देंगे छोटी, ये चाट मसाला डाल देंगे दो चुटकी, ये सिका हुआ जीरा डाल देंगे, ये लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे, इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। ये डाइटिंग जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है, हेल्थ के हिसाब से अच्छी है। बच्चे जो खाने पीने में नखरे करते हैं आज के टाइम में, उन लोगों बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है ये। इसमें नींबू डाल देंगे। इस रेसिपी में टेस्ट भी है और हेल्थ भी है, बहुत हेल्दी है ये रेसिपी। इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करके और ऐसा नहीं है कि अपन घर में बना करके खा रहे हैं तभी, ये कोई गेस्ट आए तो उनको भी सर्व कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी डिश है और बहुत कम समय में रेडी होती है, ये सबसे अच्छी बात है इसमें। इसमें मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि चाट मसाले में नमक डाला हुआ था, चटनी में नमक डाला हुआ था। इसमें बारीक कटी हुई सेव डाल दें, बारीक हरा धनिया डाल दें और अपने गेस्ट को सर्व करें या अपनी फैमिली को या बच्चों को किसी को भी सर्व करें। ये सभी को बहुत पसंद आती है। यदि चाहें तो इसमें और ऊपर से टमाटर डाल सकते हैं क्योंकि ये हेल्दी है, उस हिसाब से मैं रेसिपी बता रही हूँ, और ऊपर से चाट मसाला और डाल सकते हैं। ये कोई भी खा सकता है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।